ठीक अब बात करते हैं अबाउट लैगेटिव परगेटिव कह सकते हैं कैथाटिक्स कह सकते हैं इसका डिफरेंस आपको अभी क्लियर करूंगा वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ परगेटिव एंड अ अटिव परगेटिव बेसिकली अभी बताया परगेटिव कंप्लीट इवैक्यूएशन पूरा इवैक्यूएशन कर देते हैं मतलब बिल्कुल ना पानी ऐसी टट्टी होना पानी ऐसी होना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पट्टी होना सेमी सॉलिड टूल्स या सॉफ्ट स्टूल्स अगर बन रहे हैं तो लैगजेटिव मतलब लैग्जेटिव टट्टी को थोड़ा थोड़ा पतला करेगा परगेटिव क्या करेगा टट्टी को एकदम पानी ऐसा कर देगा परगेटिव को हम यूज फिर कब करेंगे सर्जरी के पहले किसी का पेट काट के उसका ऑपरेशन करना हो तो उसका ऑपरेशन करने से पहले हम लोग परगेटिव को यूज करेंगे ठीक सो so इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स देखो हमको फीकल मास फीकल बल्क बढ़ाना है फीकल बल्क बढ़ जाएगा तो आराम से स्टूल पास हो जाएंगे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में पहला डाइटरी फाइबर हम कहते हैं खूब सारे फल सब्जियां खाओ फ्रूट वेजिटेबल्स मैं तो खूब खाता हूं आप सबसे भी कहता हूं अगर आपको अपना कॉन्स्टिपेशन का एक क्योर चाहिए परमानेंट क्योर नॉन फार्माकोलॉजिकल खूब सारे फल हरी सब्जियां खाइए सब्जी रोटी दाल तो खाइए खाइए फ्रूट्स खूब खाइए फाइबर खाइए डाइटरी फाइबर उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ठीक है फिर और इसके अलावा अगर मेडिसिन पे जाना हो तो ब्रैन है सिलियम है इस्पा गोल मेरी नानी लिया करती थी सब गोल कॉन्स्टिपेशन की उनको प्रॉब्लम थी तो सब गोल मिथाइल सेलुलस बट इस्पा खुला याद रखना आपको इस्पा खुला हस्क उसका होता है ठीक वो कहते हैं ईसा गोल की भूसी इस नाम से आती है मार्केट में फिर स्टूल सॉफ्टनर में डॉक्यूसेट्स डायऑक्टाइल सोडियम लिक्विड पैराफिन ये हो गए स्टूल सॉफ्टनर्स ठीक है टट्टी को पतला कर देंगे फिर होते हैं स्टिमुलेंट पर डायफिनाइल मिथिन में फिनोफिलीन बाइसाकोडिल कॉन्स्टिपेशन में सोडियम पाइकोसल्फेट अंथ्राक्यूनोन्स में सेना कैस्कारा फाइव एसी थ्री एगोनिस्ट प्रू कैलियोप्राइड प्रोस्टागल एनलॉग लूबी प्रोस्टोन ठीक फिर लास्ट ऑस्मोटिक परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट सोडियम फॉस्फेट सोडियम पोटेशियम टाटरेट एंड लैक्टोलोज कोई भूल जाना लैक्टोलोज का मत भूलना ऑस्मोटिक परगेटिव में